हम बनाने वाले हैं करेले की मीठी सब्जी। इस सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और उसमें मैंने 2 चम्मच नमक ऐसे ऊपर से डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, वो करेले का जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा। और इसको ऐसे नमक डाल के ऐसे आधे घंटे भिगोए रखना है। अभी मैं इसको ढक के आधा घंटा रख देती हूँ। हमने करेले नमक डाल के रखे थे, अभी उसका पानी निकाल लेना है। ऐसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके सब पानी निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे पानी आ रहा है उस करेले से, वो पूरा पानी निकाल के ऐसे देखिए पूरे ऐसे निकाल लेना है। ऐसे हम पूरे करेले का ऐसे पानी निचोड़ लेंगे। देखिए ऐसे पूरा पानी निकल रहा है, ये पूरा नमक का पानी है, ये आ रहा है पूरा करेले से। तो पूरा पानी निकाल के निचोड़ के ऐसे डाल देंगे। अभी हमने सब करेले का पानी निचोड़ लिया है, देखिए पूरे ऐसे ड्राई हो गए। अभी हम मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। अभी हम इसको करेले को फ्राई कर लेंगे ऐसे। तो ये करेले मैंने इस कढ़ाई में डाल के थोड़े से धीमी आंच पे तल लेना है। देखिए हमारे करेले जो है वो ऐसे ऐसे रेडिश दिख रहे हैं। अभी ऐसे थोड़े से ऐसे क्रिस्पी होने तक ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी ये क्रिस्पी लग रहे हैं, अभी मैं इसको एक डिश में निकाल लेती हूँ। ऐसे ही हमें बाकी करेलों को भी फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। अभी ऐसे ही मैं बाकी सब करेले को फ्राई कर देती हूँ। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है फ्राई पैन। अभी जो हमने करेले तले थे वही तेल हमें यूज करना है। अभी ये तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको अच्छे से बारीक कट लिए कर दिया है। अच्छे से पकाना है प्याज को सुनहरा होने तक। अभी ये प्याज अच्छे से पक गया है, अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लहसुन, आलू, अदरक और जीरा का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, इसको अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल देना है। अभी जो हमने करेले फ्राई किए थे वो भी इसमें अभी डाल देना है। इसमें नमक थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि हमने जो करेले नमक में भिगोए थे इसलिए थोड़ा सा नमक कम डालना है। अभी जो तले हुए करेले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैंने लिया है गुड़, ये 1-2 चम्मच गुड़। आपको जैसे मीठा पसंद है, वैसे मुझे मीठा पसंद है तो मैं थोड़ा ज्यादा डालती हूँ।
डाल के मिक्स कर लेना है। ये गुड़ डालने के बाद देखिए ऐसे वो उसको पानी थोड़ा सा इसको आ जाएगा। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी मूंगफली जो मैंने एक भुनी थी और उसको मिक्सी में पीस के वो मूंगफली का भूरा ऐसे इसके ऊपर डाल देती हूँ। अभी ये सब डाल के इसको एक बार खाने के बाद हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। इसको भी एक बार खाने देते हैं। देखिए इसको अच्छे से बाहर खा रही है। अभी हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ।